ऐसा लग रहा है अब गठबंधन की गाड़ी चल पड़ी है। यूपी में अखिलेश के साथ गठबंधन का ऐलान बुधवार को ही हो चुका है। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। इस तरह अब दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की डील सील होने की तरफ है। इसी क्रम में सबसे चौंकाने वाली खबर पश्चिम बंगाल से आई है, जहां ममता बनर्जी के साथ भी कांग्रेस की डील दोबारा होने की खबर है। वहीं बिहार में गठबंधन की गाड़ी पर तेजस्वी यादव पहले से सवार है और खबर है कि बिहार में किसी भी दिन सीटों का ऐलान हो जाएगा। इसी के साथ महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव से सीटों का तालमेल तय होने की ओर है। इसी प्रकार तमिलनाडु में भी तस्वीर लगभग साफ होती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन की सियासी गाड़ी सीटों के समझौतों के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब तो 25 तारीख को अखिलेश यादव भी पहली बार राहुल गांधी के साथ न्याय यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। जाएंगे, हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। जो आगरा में कार्यक्रम होगा उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा। गठबंधन को लेकर यूटर्न वाली खबर पश्चिम बंगाल से आई है, जहां कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि ममता बनर्जी से बातचीत चल रही है, जबकि पिछले महीने ही ममता बनर्जी ने ही ऐलान किया था कि वो सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस बंगाल में 5 सीटें चाह रही है, जबकि गठबंधन में ममता असम और मेघालय में सीट चाहती हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है कि पंजाब में कांग्रेस साथ गठबंधन नहीं होगा, लेकिन दिल्ली, असम और गुजरात में कांग्रेस और आप के साथ लड़ने की संभावना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आकर अपनी सीटों के बंटवारे पे आम सहमति बना चुके हैं। सभी राज्यों में जिनमें चर्चा हुई है उसके अंदर लगभग सीट्स फाइनल हैं और बहुत जल्द जो है इसको औपचारिक रूप से अनाउंस कर दिया जाएगा। गठबंधन की गाड़ी कभी लो तो कभी हाई स्पीड के साथ चल रही है, जिसको लेकर बीजेपी निशाना साध रही है। माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में गठबंधन की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी।